बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग आकारों से बनी हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ आकार पहचानना सीखेंगे। चंदा आज अप्पू की मिठाई की दुकान पे आई है, लेकिन वो बहुत परेशान नजर आ रही है। अप्पू के पास इतनी सारी मिठाइयां हैं, वो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि वो कौन सी मिठाई खरीदे। अप्पू चंदा को बता रहा है कि उसे जिस मिठाई का आकार सबसे ज्यादा पसंद है वो मिठाई खरीद सकती है। ये सुनकर चंदा और भी परेशान हो गई, क्योंकि वो बेचारी आकारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अप्पू ने चंदा से कहा कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू उसे आकारों के बारे में बता सकता है। बच्चों, क्या आप भी आकारों के बारे में सीखना चाहते हैं? आइए देखें अप्पू आकारों के बारे में क्या सिखा रहा है। अप्पू ने पहले चंदा को इस तरह का एक पेड़ा दिखाया। क्या आप इस आकार को पहचानते हैं? ये एक गोल सर्कल है, इसे वृत्त भी कहा जाता है। गोल सर्कल ऐसा आकार है जो सिर्फ एक घुमावदार रेखा से बनता है और इसकी कोई भुजाएं साइड नहीं होती हैं। चंदा गोल सर्कल का आकार तो समझ गई, लेकिन अब वो सोच रही है कि ये गोल आकार पेड़ के अलावा और कहां नजर आता है। अप्पू ने चंदा को ये एक कविता के द्वारा समझाया। जैसे ये पेड़ा है गोल, चांद और सूरज भी है गोल, गोल का दूसरा नाम है वृत्त, देखो गोल घड़ी का ये चित्र। चंदा गोल आकार के बारे में सीखकर बहुत उत्साहित हो गई। अब अप्पू ने चंदा को इस आकार की बर्फी दिखाई। बच्चों, ये कौन सा आकार है? ये एक त्रिकोण ट्रायंगल है। यहाँ कितनी भुजाएं साइड्स हैं? 3। और कितने कोने कॉर्नर्स? 3। त्रिकोण ट्रायंगल की 3 भुजाएं साइड्स और 3 कोने कॉर्नर होते हैं। क्या आपने त्रिकोण को कहीं और देखा है? आइए अप्पू की त्रिकोण की कविता सुने और ये जाने। जैसे त्रिकोण है ये बर्फी का टुकड़ा, त्रिकोण है ये छत और खिलौना, त्रिकोण है जिसका नाम, उसकी है 3 भुजाएं और 3 कान। चंदा हंसने लगी। अप्पू ने चंदा से पूछा कि वो क्यों हंस रही है। तब चंदा ने हंसते हुए अप्पू से कहा कि उसके कान भी तो त्रिकोण हैं। अप्पू भी चंदा की बात पर हंस पड़ा और उसने हंसते हंसते चंदा को एक बर्फी दिखाई। क्या आपने इस आकार को पहले देखा है? ये एक आयत रेक्टेंगल है जिसकी 4 भुजाएं साइड्स होती है। इसकी आमने सामने वाली भुजाएं ऑपोजिट साइड्स समान लंबाई की होती हैं। अब अप्पू चंदा को कविता के द्वारा बताता है कि वो इस आकार को और कौन सी जगहों पर देख सकती है। आयत जैसे है काजू बर्फी, आयत है दरवाजा और किताब की पर्ची, आयत नाम का ये आकार, भुजाएं जिसकी है 4।
चंदा को अप्पू की कविता इतनी पसंद आई कि वो जोर जोर से ताली बजाने लगी। बच्चों, क्यों ना हम भी अप्पू की कविता के लिए ताली बजाएं? अब आखिर में अप्पू ने चंदा को इस आकार का एक अखरोट की चिक्की का टुकड़ा दिखाया। बच्चों, ये कौन सा आकार है? ये एक वर्ग स्क्वायर है। इसकी चार भुजाएं साइड है। क्या आप वर्ग स्क्वायर की एक अनोखी बात जानते हैं? इसकी सारी भुजाएं साइड समान लंबाई की होती है। अब अप्पू ने चंदा को उसकी आखिरी कविता के द्वारा वर्ग और किन जगहों पर नजर आता है ये बताया। जैसे वर्ग है ये चिक्की का टुकड़ा, वर्ग है मेरा रुमाल और मिठाई का डिब्बा। वर्ग कहते हैं इसे, ये आयत नहीं, समान भुजाएं, ये अनोखी पहचान इसकी। जैसे ही चंदा ने अप्पू की अखरोट की चिक्की को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। चंदा ने आखिर तय कर ही लिया कि वो कौन सी मिठाई खरीदेगी। चंदा ने अप्पू से अखरोट की चिक्की खरीदी और अप्पू के आकारों की कविता गुनगुनाते गुनगुनाते अपने घर चली गई। बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न आकारों को पहचानना सीखा।